दुर्ग के बघेरा और केराबाड़ी स्थित ब्रह्म कुमार ईश्वरी विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास से होली का पर्व मनाया गया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। रंगों का पर्व होली के मौके पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय दुर्ग के राजऋषि भवन केलाबाड़ी व आनंद सरोवर बघेरा में होली का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। होली पर्व के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करते हुए रीटा बहन, जो कि संचारिका है, उन्होंने बताया कि जब हम प्रतिपल परात्म संग का अनुभव करते हैं तो परमात्मा के गुण, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद का संचार हम में होने लगता है। रूपाली बहन ने कहा, होली पर्व को बीती बातों को भुलाने का पर्व माना जाता है। इस मौके पर आत्मस्मृति स्वरूप सभी को गुलाल का तिलक लगाया गया व रंगों के स्थान पर पुष्पों की वर्षा की गई। साथ ही साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में कुमारी युक्ति, जागृति, इंद्राणी, मौसमी, रुचिका के द्वारा राधा कृष्ण संग गोपियों की रास की मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति उपस्थित सभाजनों को भाविभोर करती गई। इस पर्व को मनाने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े हुए अनेक स्थानों से तथा सुदूर ग्रामीण अंचलों से काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। मंच संचालन रूपाली बहन व चैतन्य प्रभाव बहन ने किया। आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई। अरे अपने ही रंग में रंग ले, मुझको याद रहेगी होली। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से रंगारंग होली पर्व की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। जैसा कि हम होली पर्व मनाते हैं तो एक होता है जलाने की होली और दूसरा होता है रंग लगाने की होली। तो पौराणिक कथा है, भक्त प्रह्लाद उनको उनकी बुआ गोद में लेकर के बैठी और भक्त प्रह्लाद तो सेफ हो गए और उनकी बुआ होलिका वह उसमें जल गई। तो कहने का भाव है, यह है बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। तो परमात्मा पिता कहते हम सभी को अपनी बुराइयों को जला देना है। तो जहाँ जीवन के मार्ग में जो भी ऐसी बुराइयां हैं, जो विघ्न बन रही है, हम उसे आज सदा सदा के लिए जला दे, मिटा दे। तो जब बुराइयां जल जाती है तो आत्मा पवित्र बन जाती है, पवित्र अर्थात होली बन जाती है। और जहाँ आत्मा पवित्र बन गई तो परम पवित्र परमात्मा से उसका संबंध जुड़ जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा की हो जाती है। तो होली अर्थात आत्मा परम पिता परमात्मा की हो गई। तो हम देखते कि जितने भी भक्त शिरोमणि हुए हैं तो वे परमात्मा पिता की याद में, उनके प्यार में इस कदर समाये रहते थे कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति, किसी भी प्रकार का विघ्न उन्हें कभी भी रोक नहीं सकता था। तो हम भी परमात्मा पिता के प्यार में इस रीति समा जाए, जो सदा अनुभव होता रहे कि हम उनके स्नेह की वर्षा में अपने जीवन को जी रहे हैं। और तीसरी बात है कि जब हम रंग लगाते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं बुरा न मानो, होली है। अर्थात कोई भी ऐसी पास्ट की बातें, कड़वी घटनाएं, उसे हम सदा सदा के लिए अपने दिल से और अपने दिमाग से उसकी सफाई कर दें। तो जो बीत गया सो बीत गया, अर्थात जो हो गया सो हो गया, ये है होली। तो पहला होली अर्थात बुराइयों को जलाना है, जिससे आत्मा होली बन जाए, पवित्र बन जाए। और दूसरा, मैं आत्मा परमात्मा पिता की हो गई, सदा उनके स्नेह में समाये रहे। और तीसरा, जो बात हो गई सो हो गई, पास्ट की बीती बातों को हम सदा सदा के लिए भूल जाए। तो ऐसा होली पर्व यदि हम मनाएंगे तो ये सदा सदा के लिए हमारे लिए यादगार हो जाएगा और हम सबको जीवन जीने की कला सिखा जाएगा। तो आइए अब की बार ऐसी होली हम मनाएं। ओम शांति। सार के सीएन के लिए नसीम फारूक की रिपोर्ट।